श्रोताओं, एके नवीन प्रोफेसर स्कूल ऑफ लॉ उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी का नमस्कार। श्रोताओं, आज मैं आपको भाषण एवं विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की संकल्पना के बारे में चर्चा करूंगा। भाषण एवं विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता व्यक्ति के विकास का आधार है। अगर इसे व्यक्ति का निर्माण परक तत्व कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि बिना स्वतंत्रता के व्यक्ति व्यक्ति नहीं रह सकता। वह सिर्फ हाड़ मांस का एक पुतला मात्र रह जाएगा। अतः स्वतंत्रता के लबादे में लिपटा हुआ प्राणी ही मानव है, और स्वतंत्रता का यह लबादा उतर जाने के बाद वह मानवता खो देगा। शायद इसी कारण मैजनी ने कहा है कि स्वतंत्रता के अभाव में आप अपना कोई कार्य पूरा नहीं कर सकते, अतः आपको स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाता है, और जो भी शक्ति आपको इस अधिकार से वंचित रखना चाहती है उससे जैसे भी बने अपनी स्वतंत्रता छीन लेना आपका कर्तव्य है। भाषण एवं विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रजातांत्रिक व्यवस्था की आधारशिला है। प्रत्येक प्रजातांत्रिक सरकार इस स्वतंत्रता को बड़ा महत्व देती है। इसके बिना जनता की तार्किक एवं आलोचनात्मक शक्ति को, जो प्रजातांत्रिक सरकार के समुचित संचालन के लिए आवश्यक है, विकसित करना संभव नहीं है। अभिव्यक्ति शब्द वस्तुतः बहुत व्यापक है। आधुनिक विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी ने अभिव्यक्ति के नए नए संचार साधनों का आविष्कार किया है और करती जा रही है। उदाहरण के लिए रेडियो, चलचित्र, टेलीफोन, टेलीविजन, मोबाइल, इंटरनेट, ईमेल, फेसबुक, ट्विटर आदि संचार माध्यमों ने समाज को नई दिशा के साथ नए विचार दिए हैं। वैचारिक स्वतंत्रता व्यक्ति तथा समाज के विकास, सत्य की खोज एवं लोकतंत्र की स्थापना के लिए अनिवार्य है। आज जब संपूर्ण विश्व में प्रजातंत्र को विशेष महत्व दिया जा रहा है, वहां भाषण एवं विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बिना वास्तविक अर्थ में लोकतंत्र की स्थापना संभव नहीं है। लोकतांत्रिक समाज में किसी भी समस्या के विषय में परस्पर विरोधी विचारों को प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर दिया जाता है, जिससे उसके संबंध में सत्य की खोज की जा सके। वैचारिक स्वतंत्रता का अर्थ है कि किसी भी विषय अथवा समस्या के संबंध में व्यक्ति निर्भय होकर विचार करने और अपने भाषणों, लेखों, पुस्तकों, पत्रिकाओं, समाचार पत्रों तथा अन्य संचार साधनों द्वारा अपने विचारों को निसंकोच निर्भय होकर अभिव्यक्ति कर सके। आज का तो समय ही संचार क्रांति का है। संचार माध्यम हमारे लिए इतने अपरिहार्य हो गए हैं कि हम उनके बिना जीवन जीने की कल्पना नहीं कर सकते। इन माध्यमों ने न केवल स्थान
देश की दूरियां कम की हैं, बल्कि एक दूसरे को नज़दीक ला दिया है। हमारी कार्यशैली, हमारी सोच में भी आमूलचूल परिवर्तन ला दिया है। आज का समाज इन संचार माध्यमों से प्रभावित है। हमारा लोकतंत्र इन्हीं के फलस्वरूप मजबूत हो रहा है। स्वतंत्रता की अवधारणा के दो अर्थ लगाए जाते हैं। प्रथम नकारात्मक अवधारणा, द्वितीय सकारात्मक अवधारणा। स्वतंत्रता की नकारात्मक अवधारणा, स्वतंत्रता जिसे अंग्रेजी में लिबर्टी कहते हैं, लैटिन भाषा के शब्द लिबर से निकला है, जिसका अर्थ है बंधनों का अभाव, अर्थात व्यक्ति के कार्यों पर किसी प्रकार का बंधन ना हो, वह पूर्ण रूप से अपने कार्यों को करने के लिए स्वतंत्र हो। स्वतंत्रता का विचार आधुनिक युग की देन है। यूनानी युग और मध्यकाल में यह विचार अनुपस्थित था। सामाजिक समझौता के सिद्धांत के समर्थक हाब्स और रूसो के मतानुसार प्राकृतिक अवस्था में इस प्रकार की स्वतंत्रता थी। मनुष्य स्वच्छंद रूप से जीवन व्यतीत करता था। प्राकृतिक स्वतंत्रता के पक्षधर विचारकों का कहना है कि मनुष्य प्रकृति से ही स्वतंत्र है। रूसो के अनुसार मनुष्य जन्म से स्वतंत्र उत्पन्न होता है, परंतु बाद में वह जंजीरों में जकड़ा हुआ पाया जाता है। मनुष्य वास्तविक स्वतंत्रता का उपभोग तो प्राकृतिक अवस्था में ही करता है। समाज के अंतर्गत उसकी स्वतंत्रता सीमित हो गई है और उस पर अनेक प्रकार की पाबंदियां लग गई हैं। लेकिन प्राकृतिक स्वतंत्रता की अवधारणा काल्पनिक है और दोषपूर्ण है, क्योंकि यह व्यक्ति पर किसी भी प्रकार के बंधन अधिरोपित नहीं करती है। नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करने वालों में जेएस मिल, ईसाई बर्लिन, क्रिस्टन फ्राइडमैन आदि हैं। फ्राइडमैन ने अपनी पुस्तक कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम में नकारात्मक स्वतंत्रता की संकल्पना का प्रतिपादन किया। इनके मतानुसार एक व्यक्ति पर उसके सहयोगी व्यक्ति द्वारा बाध्यता या बल प्रयोग का अभाव होता है। जेएस मिल ने स्वतंत्रता पर अपना विचार अपनी रचना ऐसे ऑन लिबर्टी में दिया है। मिल की स्वतंत्रता का आशय विचार अभिव्यक्ति एवं भाषण की पूर्ण स्वतंत्रता से है। स्वतंत्रता पर प्रत्येक प्रकार का प्रतिबंध बुरा है। व्यक्ति अपने शरीर व मन का स्वामी है। स्वतंत्रता व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है। स्वतंत्रता सभ्यता के विकास के लिए आवश्यक है। जेएस मिल ने व्यक्ति के व्यक्तिगत कार्यों में राज्य के हस्तक्षेप का विरोध किया। इस स्वतंत्रता का पोषण करने वाले विचारकों की मान्यता है कि व्यक्ति को अपनी वेशभूषा, रहन सहन, खान पान आदि के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं प्राप्त होनी चाहिए। नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा को वर्तमान समाज में स्वीकार नहीं किया जाता, क्योंकि यह व्यक्ति की आवश्यक कार्यों के लिए प्रोत्साहित करती है। स्वतंत्रता की सकारात्मक अवधारणा। सकारात्मक स्वतंत्रता के मानने वाले विचारकों का कहना है कि व्यक्ति के ऊपर सामाजिक बंधन आवश्यक हैं, अर्थात
वह मनमानी करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। व्यक्ति को उसी सीमा तक स्वतंत्रता प्राप्त हो सकती है जहां तक वह दूसरों को हानि न पहुंचाए। अगर व्यक्ति दूसरों के कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप करता है तो उस पर प्रतिबंध लगाने चाहिए। अतः सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा में सामाजिकता का तत्व निहित है। स्वतंत्रता के इसी रूप को आज स्वीकार कर लिया गया है। रूसो ने सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया है क्योंकि उनके अनुसार अपनी तात्विक इच्छा के अनुसार कार्य करना ही स्वतंत्रता है। स्पेंसर के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति वह करने को स्वतंत्र है जो वह करना चाहे, बशर्ते वह किसी अन्य मनुष्य की समान स्वतंत्रताओं का हनन ना करे। राज्य इसलिए विद्यमान है क्योंकि समाज में अपराध विद्यमान है। यदि समाज में अपराध नहीं होगा तो राज्य की आवश्यकता नहीं होगी। लास्की के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों की व्यापक व्यवस्था से है। उनके अनुसार स्वतंत्रता उस वातावरण को बनाए रखना है जिसमें व्यक्ति को अपने जीवन का सर्वोत्तम विकास करने की सुविधा प्राप्त हो। मैकेंजी के अनुसार स्वतंत्रता सब प्रकार के प्रतिबंधों का अभाव नहीं बल्कि तर्क रहित प्रतिबंधों के स्थान पर तर्कयुक्त प्रतिबंधों की स्थापना है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डेवलपमेंट एज फ्रीडम में स्वतंत्रता का आशय व्यक्ति की स्वतंत्रता का विकास माना है। इस प्रकार स्वतंत्रता की सकारात्मक परिभाषाओं के अनुसार इसे व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास का अवसर माना जाता है। नागरिकों को अपनी भौतिक और नैतिक उन्नति का समान अवसर प्राप्त होना चाहिए। यह अवसर तभी मिल सकता है जब समाज कुछ नियम बनाकर एक व्यक्ति के जीवन में दूसरे व्यक्ति द्वारा अनुचित हस्तक्षेप ना होने दे। संक्षेप में कहें तो सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा स्वतंत्रता को समाज से, समाज की परिस्थितियों से, अधिकार, समानता तथा आर्थिक व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में जोड़कर चलती है। स्वतंत्रता के विभिन्न आयामों के अंतर्गत प्राकृतिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, नैतिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय स्वतंत्रता इत्यादि आती हैं। भारतीय संविधान का उद्देश्य विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वाधीनता सुनिश्चित करना है। अतः संविधान के द्वारा नागरिकों को विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। इस संबंध में संविधान का अनुच्छेद 19 सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। मूल संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा नागरिकों को 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई थीं और इनमें से 6ठी स्वतंत्रता संपत्ति की स्वतंत्रता थी। 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार के साथ साथ संपत्ति की स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई है और अब नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं ही प्राप्त हैं। भारत के सभी नागरिकों को विचार करने, भाषण देने, अपने तथा अन्य व्यक्तियों के विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता
प्राप्त है। प्रेस भी विचारों के प्रचार का एक साधन होने के कारण इसी में प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है। भाषण एवं विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में बोलने और प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है, क्योंकि आधुनिक सामाजिक व्यवस्था में प्रचार व परिचालन के बिना बोलने तथा प्रेस की स्वतंत्रता निरर्थक होगी। रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य के वाद में उच्चतम न्यायालय ने भी इस मत की पुष्टि की है। कोई भी आधुनिक राज्य व्यक्ति के अधिकारों का आत्यंतिक रूप में प्रत्याभूत नहीं कर सकता। हमारे संविधान ने ही उपरोक्त अधिकारों में से प्रत्येक पर कुछ परिसीमाएं अधिरोपित की हैं। संविधान ने राज्य को यह शक्ति दी है कि वह समुदाय के व्यापक हितों की दृष्टि से आवश्यक युक्तियुक्त निर्बंधन लगा सकता है। भारत का संविधान व्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक नियंत्रण के बीच संतुलन स्थापित करता है। हमारी संवैधानिक प्रणाली का उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना है। इसीलिए हमारे संविधान के निर्माता व्यक्ति के अनियंत्रित अधिकार प्रमाणित करके ही रुक गए। वे यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि जहां सामूहिक हितों का प्रश्न होता है, वहां व्यक्ति की स्वतंत्रता को सामान्य हित के सामने झुकना होगा। हमारे संविधान ने यह न्यायालय पर नहीं छोड़ा कि वे यह बताएं कि राज्य किस आधार पर और किस सीमा तक व्यक्ति के अधिकारों को नियंत्रित कर सकता है। अन्य स्वतंत्रताओं की भांति भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी अबाध नहीं है। समाज में सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस स्वतंत्रता पर कुछ निर्बंधन अत्यंत आवश्यक हैं। इसीलिए संविधान में अनुच्छेद 19 के खंड 2 में कुल 8 आधारों पर निर्बंधन लगाने की अनुमति है, यथा भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार, न्यायालय अवमान, मानहानि, अपराध उद्दीपन आदि। अनुच्छेद 19 खंड 2 के अनुसार भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था या सदाचार के हितों में अथवा न्यायालय के अवमान मानहानि अपराध उद्दीपन के संबंध में युक्तियुक्त निर्बंधन जहां तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहां तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी, या वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी। धन्यवाद।